क्या इस बार आईफोन 14 में USB-C पोर्ट आएगा कि नहीं? इस बार भी नॉच होगी या नहीं? भाई 13 तो है, 14 के पैसे इकट्ठे करने हैं नहीं? भाई मैंने सुना इस बार कैमरा बहुत मस्त होने वाला है। भाई बाकी बातें छोड़ो, प्राइस कितना होगा? यही सब डाउट्स है ना आपके मन में, तो चलो आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ आज मैं। सारा कुछ बताता हूँ आपको, आईफोन 14 अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है उसके अंदर। पर उससे पहले अगर आप यहाँ पे आते रहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर पहली बार आए हो तो वीडियो देख लो उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं आईफोन 14 के ऊपर। तो यार अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 3-4 महीने पड़े एप्पल इवेंट को, और इतने सारे लीक्स और रूमर्स हमारे पास पहले सामने आ गए। अब अगर आप सोच रहे हो ना कि इतने सारे लीक्स वगैरह हमको कैसे पता चल जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एप्पल है ना वो सारा काम खुद तो करती नहीं, उसकी जो चिप्स कंपोनेंट्स वगैरह बनते हैं वो सारे आउटसोर्सिंग करती है। जैसे कि इनकी जो चिप्स होती हैं A14, A15, हमको लगता है कि एप्पल खुद उसको बनाता है, पर ये दूसरी कंपनीज को आउटसोर्स करता है। TSMC नाम की कंपनी है जो एप्पल के लिए इनकी चिप्स बनाती है। इसी तरह से जो कैमरास हैं वो सोनी बनाती है, जो रैम है वो सैमसंग बनाती है। तो लगभग सब चीजें एप्पल आउटसोर्स करता है, और जब इतनी जगहों से इनका सामान बन रहा है तो ऑब्वियसली लीक्स वगैरह तो बाहर आ ही जाते हैं। जो ट्रस्टेड लीकर जैसे मिंचिको, मार्क गुरमन, जॉन प्रोसर, इन सबसे जो न्यूज आई है ना उनको आपको बताता हूँ। और इन सब का जो सक्सेस रेट है ना वो 80-90% से ऊपर है, तो इनकी जो बातें हैं वो ज्यादातर सच्ची होती हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि आईफोन 14 में कितने मॉडल्स आने वाले हैं। जो आईफोन 13 है उसमें आपको पता ही है 4 मॉडल्स आते हैं, 13 मिनी आता है जो सबसे सस्ता है, फिर 13, फिर 13 प्रो और फिर 13 प्रो मैक्स। अब आईफोन 14 में भी 4 ही मॉडल्स आएंगे, पर सबसे पहले आएगा आईफोन 14, फिर आईफोन 14 मैक्स, फिर iPhone 14 Pro और फिर iPhone 14 Pro Max, जिसका मतलब है कि अब iPhone 14 mini मॉडल नहीं आएगा। अब ये जो Max मॉडल है इसमें क्या डिफरेंस होगा? तो जो iPhone 14 होगा ना एग्जैक्टली सेम iPhone 14 Max मॉडल होगा, बस इसके अंदर जो साइज होगा स्क्रीन का और जो बैटरी है वो ज्यादा होगी, बाकी हार्डवेयर, फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर सब कुछ सेम होगा। और 14 Pro और 14 Pro Max का आपको पता ही है कि वो दोनों सेम होते हैं, बस स्क्रीन साइज और बैटरी का ही फर्क होता है। फिर इसके बाद एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज़ की बात ही पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे नॉच हमारे पास खत्म हो रही है आईफोन 14 सीरीज में। अब इसमें मेरे हिसाब से एक तो सेल्फी कैमरा हो गया, एक फेस आईडी होगी, और साइड पे जो IR स्कैनर है वो हो गया। अभी देखने में तो अच्छा लग रहा है, पर इस जगह का अगर एप्पल कुछ यूज़ करे तब तो फायदा है, अगर इस जगह का कुछ यूज़ ही नहीं करना फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो नॉच डाल देते तब भी वही बात है। जैसे आईफोन 12 के बाद जो आईफोन 13 निकाला उसके अंदर नॉच छोटी तो कर दी, पर जो साइड में जगह थी उसके अंदर उन्होंने बैटरी परसेंटेज तक नहीं डाली, तो उसका क्या ही फायदा हुआ हमको। बट चलो इतना आपको पता लग गया कि इसके अंदर नॉच खत्म हो रही है। पर एक बैड न्यूज भी दे देता हूँ, ये जो नॉच खत्म हो रही है ये चारों मॉडल्स में नहीं हो रही, सिर्फ प्रो सीरीज में ही हो रही है। मतलब आईफोन 14 और 14 मैक्स में नॉच अभी भी वैसी रहेगी, हो सकता है कि स्लाइटली रिड्यूस कर दें साइज उसका, बट ज्यादा फर्क नहीं डालेंगे। तो ये एक काफी बड़ा डिफरेंस डाल दिया एप्पल ने नॉन प्रो और प्रो मॉडल्स के अंदर, क्योंकि पहले तो सिर्फ पीछे के कैमरास देख के पता लगता था कि ये प्रो है या फिर नॉन प्रो है, और अब तो सामने की स्क्रीन देख के भी कोई भी बता देगा कि भाई ये तो नॉन प्रो मॉडल है आपका। फिर यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो 13 सीरीज में एप्पल ने नॉन प्रो और प्रो में थोड़ा सा फर्क डाला था डिस्प्ले का, कि 13 प्रो में जब आप HDR कंटेंट व्यू करते थे तो आपको पीक ब्राइटनेस ज्यादा मिलती थी उसके अंदर, पर इस बार दोनों की पीक ब्राइटनेस बिल्कुल सेम होने वाली है, कोई फर्क नहीं होगा। पर एक फर्क एप्पल ने इस बार दोबारा डाल दिया, आपको कोई भी प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। इस बार भी आपको 80-90 हजार रुपए देके 60Hz का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा। तो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा जैसे अब मिलता है, और 14 और 14 मैक्स में आपको वही 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि बहुत ही बेकार बात है यार। 2022 में आप 80-90 हजार रुपए दे रहे हो और आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जबकि 15,000 के फोन में भी आजकल 120Hz आने लग गया। तो ये चीज तो एप्पल ने बहुत गलत की है भाई, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी 14 सीरीज का जो साइज होगा वो ऑलमोस्ट 13 सीरीज वाला ही होगा, पर जो थिकनेस है वो स्लाइटली ज्यादा होगी इस बार, क्योंकि जो कैमरा बंप है वो भी बाहर होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि हमको कैमराज में इस बार बहुत नेक्स्ट लेवल कुछ देखने को मिलेगा। अब कितने मेगापिक्सल का होगा और किस तरह का कैमरा होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। बाकी जो बेजल्स हैं वो अगर 13 से कंपेयर करें तो 20% रिड्यूस हो जाएंगे 14 सीरीज के अंदर। अब एक और बहुत मसालेदार सी चीज आ रही है, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है एप्पल हर बार अपने जो नए फोन आते हैं आईफोन उसके अंदर नई चिप्स डालता है हर बार। जैसे कि आईफोन 11 के अंदर A13 चिप आई थी, 12 के अंदर A14 बायोनिक चिप आई, 13 के अंदर A15 चिप आई, और अब 14 में A16 चिप आनी चाहिए, है ना। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, ये A16 चिप आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगी, जो नॉन प्रो मॉडल्स है उसके अंदर अभी भी आपको A15 चिप देखने को मिलेगी। एंड ये पहली बार होगा किसी आईफोन में कि हमको पुरानी चिप ही डाल के दे रहे हैं। इसका रीजन बताया जा रहा है कि चिप शॉर्टेज चल रही है, तो वो उन्हीं चिप्स को मॉडिफाई करके यूज कर लेंगे। अब पता नहीं भाई क्या सीन है, बट ये सब देख के हमको क्लियरली पता लग रहा है कि एप्पल का मेन फोकस इस बार प्रो मॉडल्स पे है, नॉन प्रो पे वो इतना ध्यान नहीं दे रहे। पर इसका मतलब ना ये नहीं है कि जो A15 बायोनिक चिप है वो पावरफुल नहीं है,
A15 अब तक की सबसे पावरफुल चिप है, जितने भी आईफोन्स आए हैं सबसे ज्यादा पावरफुल A15 चिप ही है। एंड अगर आप उसको किसी एंड्रॉइड से कंपेयर करो तब उसको भी हरा देती है A15 चिप। तो पावरफुल तो ऑब्वियसली पूरी आईफोन 14 सीरीज ही होने वाली है। बाकी ये भी बताया जा रहा है कि जैसे पहले आईफोन 13 के अंदर 4GB रैम थी, तो इस बार ये उसके अंदर ही 6GB रैम कर देंगे आईफोन 14 के अंदर, तो चिप की भी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। पर डिफरेंस यहाँ पे एक और भी डाल दिया एप्पल ने, यहाँ पे आपको प्रो सीरीज के अंदर LPDDR5 रैम देखने को मिलती है और नॉन प्रो के अंदर आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलती है। एंड हाँ, कुछ लीक्स के हिसाब से हमको यहाँ पे 2TB का स्टोरेज वेरिएंट देखने को भी मिल सकता है। अब 2TB यार बहुत ज्यादा होता है वैसे, मुझे तो इसके कम चांसेस ही लग रहे हैं, क्योंकि अगर 1TB का वेरिएंट जो भी आया आईफोन 13 प्रो मैक्स में वो 2 लाख के आसपास कॉस्ट करता है, और 2TB का तो फिर पता ही नहीं कितने का होगा। तो अब कैमरास की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग आईफोन खरीदते हैं। तो यार सबसे पहले तो फ्रंट कैमरा की बात करें ना, तो यहाँ पे पहली बार एप्पल अपने किसी आईफोन में ऑटो फोकस डाल रहे हैं फ्रंट कैमरा के अंदर, तो शार्पनेस वगैरह बहुत अच्छी होने वाली है, पोर्ट्रेट मोड भी बहुत अच्छा होगा। साथ में फ्रंट कैमरा के अंदर आपको यहाँ पे 1.9 अपर्चर देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। जो फोटोज वीडियोज में आपको ग्रेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं रात को, वो अब नहीं देखने को मिलेंगे, आपको काफी बेटर हो जाएगी लो लाइट परफॉर्मेंस। फिर बैक कैमरा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एप्पल पहली बार 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहा है। अब इसका रीजन ये नहीं है कि बाकी जो एंड्रॉइड फोन होते हैं उसके अंदर 48 आता है, 64 आता है, उनकी वजह से नहीं कर रहा। इसका मेन रीजन है क्योंकि एप्पल इस बार 8K रिकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करेगा अपने आईफोन के अंदर। पर ये सब भी आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगा, जो नॉन प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर आपको वही 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और अप टू 4K रिकॉर्डिंग ही सपोर्ट करेगा। जो पूरी 14 सीरीज होगी उसके कैमरा के सेंसर्स यहाँ पे बड़े हो जाएंगे, एंड जितने बड़े सेंसर्स उतनी बेटर फोटो वीडियोस आते हैं क्योंकि उतनी लाइट वगैरह कैप्चर करते हैं ये। तो कैमरास तो बेटर होंगे आईफोन 14 सीरीज में अगर आप 13 से कंपेयर करो तो, पर अगर आप यहाँ पे 14 और 14 प्रो को कंपेयर करो तो यहाँ पे कैमरा के तो बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो अगर आपको कैमरा के लिए आईफोन लेना है तो भाई पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दो आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स के लिए। फिर यहाँ पे ना कहा जा रहा है कि इस बार एप्पल अपनी 5G चिप्स खुद बनाएगा। अभी वो अपने 5G मॉडम्स क्वालकॉम से बनवाता है, पर अब वो खुद बनाएगा, तो हो सकता है कि जो कनेक्टिविटी है 5G की वो इम्प्रूव हो जाए। साथ में जो चिप्स होंगी ये कम जगह लेंगी, जिसका मतलब है कि बैटरी के लिए ज्यादा जगह बचती है, तो बड़ी बैटरी भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा या फिर लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा पर iPhone 14 में नहीं, iPhone 15 में। तो मिंची को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड लीकर है, इनकी बातें ज्यादातर सच्ची निकलती हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि हमको iPhone 15 में USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा। पोर्टलेस iPhone के बारे में अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है, पर iPhone 14 के अंदर आपको वही वाला लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, तो आपको एक एक्स्ट्रा केबल तो कैरी करनी पड़ेगी जहां भी आप जाओगे। बाकी iPhone 15 के अंदर आपको USB-C पोर्ट देखने को मिल जाएगा, इस चीज का ना एक और भी एविडेंस है। ये iPhone 5 का लॉन्च वीडियो देखो, इसमें क्या कह रहे हैं ये। Our new connector is called Lightning. This connector is a modern connector for the next decade. तो इसमें इन्होंने कहा है कि हम एक डेकेड के लिए लाइटनिंग पोर्ट यूज करेंगे, और एक डेकेड मतलब 10 साल, और ये वीडियो है 2012 का, मतलब 2022 तक इन्होंने लाइटनिंग पोर्ट यूज करना है। तो इस चीज के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि 2023 में ही अपना पोर्ट बदले। अब या तो ये पोर्टलेस लेके आएंगे या फिर ये टाइप सी पोर्ट लेके आएंगे आईफोन में, तो देखते हैं कि क्या आता है अगले साल। पर इस साल तो हमको कोई भी टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अब सबसे मेन बात कर लेते हैं कि प्राइस क्या होने वाला है आईफोन 14 सीरीज का। तो यहाँ पे जो लीक्ड प्राइसेस आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आईफोन 14 होगा उसका प्राइस होगा $799, मतलब 80 से 90 हज़ार रुपये। अब यहाँ पे आप 7580 से ना मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे एप्पल के केस में सीधा 100 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर $800 है तो सीधा 80,000 रुपये मान लो, हो सकता है 80 से 90 के बीच में कहीं पे हो। अगर 14 मैक्स की बात करें तो वो $899 का होगा, आप मान लो 10,000 रुपये महंगा होगा, जितने का भी 14 होगा उससे 10,000 महंगा 14 मैक्स होगा। 14 प्रो का प्राइस यहाँ पे 1,20,000 से लेके 1,30,000 के बीच में कहीं पे होगा, और जो 14 प्रो मैक्स है उसका प्राइस होगा 1,30,000 से लेके 1,40,000 के बीच में कहीं पे। और ये सारे मैं बेस वेरिएंट्स के प्राइस बता रहा हूँ। बेस वेरिएंट अभी भी कहा जा रहा है कि 128GB ही होगा, 256GB की बेस वेरिएंट के तो अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। आई होप आपको काफी कुछ पता लग गया होगा आईफोन 14 सीरीज के बारे में। अगर आपको कुछ नया पता चला तो लाइक तो कर ही दो यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना नीचे कमेंट करके, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या आईफोन 14 में USB Type-C आएगा? नहीं, क्यों?